आपने कभी सोचा है कि एग्जामिनर आपके ऐसे को किस तरह से सिलेक्ट करता है? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि एग्जामिनर्स ऐसे सिलेक्ट करते वक्त किन चीजों को माइंड में रखते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके ऐसे की क्वालिटी एग्जामिनर की नजर में किस तरह शाइन कर सकती है? क्या आप ये समझना चाहेंगे कि एग्जामिनर किस क्राइटेरिया के जरिए ऐसे को सिलेक्ट करता है और आप अपने ऐसे को कैसे बेहतर बना सकते हैं? आज हम जानेंगे कि एग्जामिनर ऐसे को किस तरह से शॉर्टलिस्ट करते हैं और आप कैसे उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर स्टूडेंट के जहन में होता है, एग्जामिनर्स ऐसे को कैसे सिलेक्ट करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पेपर में किस ऐसे को सिलेक्ट करना जरूरी होता है और एग्जामिनर को इम्प्रेस कैसे करना चाहिए? तो चलिए इस राज को खोलते हैं। जब एक एग्जामिनर ऐसे टॉपिक्स को सिलेक्ट करता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो वो रैंडम सिलेक्शन नहीं करता। वो हर टॉपिक को केयरफुली चूज करता है जो स्टूडेंट्स की स्किल्स, करंट इश्यूज और एजुकेशन गोल्स को रिफ्लेक्ट करे। एग्जामिनर्स ऐसे टॉपिक्स सिलेक्ट करते हैं जो स्टूडेंट्स को सोचने, समझने और लिखने पर मजबूर करें। आज हम जानेंगे कि एग्जामिनर किस सोच से ऐसे सिलेक्ट करते हैं। एग्जामिनर की पहली सोच ये होती है कि कंट्री या सिटी में करंट इश्यूज क्या चल रहे हैं। वो ऐसा टॉपिक इसलिए सिलेक्ट करता है करंट इश्यूज से रिलेटेड के स्टूडेंट को इससे रिलेटेड कोई इल्म है या नहीं। तो स्टूडेंट्स के लिए ये जरूरी है कि जिस ईयर में वो पेपर दे रहे हैं तो उस ईयर में वो करंट इश्यूज के बारे में जरूर इंफॉर्मेशन रखें। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को कोई करंट इशू से रिलेटेड ऐसे बता देती हूँ, जैसे ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। एग्जामिनर्स की दूसरी सोच होती है कि स्टूडेंट्स के व्यू पॉइंट्स को सामने लाना, स्टूडेंट्स को सोचने पर मजबूर करना। मींस के ऐसे को सिलेक्ट करते वक्त एग्जामिनर्स उन टॉपिक्स को पसंद करते हैं जो स्टूडेंट्स को डीपली सोचने पर मजबूर करें और सोशल इश्यूज पर उनका व्यू पॉइंट सामने लाएं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स अपने ओपिनियन शेयर करें। एग्जामिनर्स की थर्ड सोच होती है स्टूडेंट्स के पर्सनल गोल्स और एम्बिशंस को असेस करना। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर्स कभी कभी टॉपिक्स को ऐसे सिलेक्ट करते हैं जो स्टूडेंट्स के पर्सनल गोल्स और एम्बिशंस को असेस करें ताकि वो अपने अंदर की सोच और मोटिवेशन को सामने ला सके। फॉर एग्जाम्पल माई एम इन लाइफ। अब एग्जामिनर्स की चौथी सोच क्या होती है? उनकी चौथी सोच ये होती है कि स्टूडेंट्स को जनरल नॉलेज के बारे में बताए, उनकी रिसर्च अबिलिटीज को बढ़ाया जाए। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे को सिलेक्ट किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स की जनरल नॉलेज और रिसर्च अबिलिटीज को जज किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ये एक ऐसे है जिससे आप लोगों की जनरल नॉलेज एंड रिसर्च अबिलिटीज को जज किया जाता है। एग्जामिनर्स की पांचवी सोच होती है इन्वायरमेंट और रिलेटेड इश्यूज को हाईलाइट करना ताकि स्टूडेंट्स का इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास डिवेल्प हो। फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी करंट इश्यू उस पर ऐसे आ सकता है। तो स्टूडेंट्स ऐसे सिलेक्शन एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है। एग्जामिनर्स ऐसे टॉपिक्स को सिलेक्ट करते हैं जो स्टूडेंट्स की मल्टीपल एबिलिटीज जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, मॉरल रिफ्लेक्शन और सोशल अवेयरनेस को टेस्ट करें। आप अगर इन की एरियाज पर फोकस करें तो 2025 के एग्जाम्स के लिए आप परफेक्टली प्रिपेयर्ड हैं।